सांसद गोपाल शेट्टी ने योग प्रतिमा का उद्घाटन किया। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने मुंबई कांदिवली पश्चिम स्थित पोईसर जिमखाना रोड पर योग के विभिन्न आसन के प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ गोपाल शेट्टी ने कहा, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। देखिए, ये जो पोईसर जिमखाना मार्ग है, और पोईसर जिमखाना एक बहुत बड़ी संस्था है, और ये संस्था के सामने के मीडियम में इस प्रकार के योग के सारे स्टैचू कहिए या तो पुतले लगना चाहिए, इस प्रकार का प्रस्ताव हमने दिया था। मुंबई महानगर पालिका ने उसे मानते हुए सारे पुतले लगाने का काम हुए, और आज योग दिवस के अवसर पर मुझे लगा कि इसका हमने उद्घाटन करके एक मैसेज देना चाहिए, ताकि मुंबई शहर में जगह जगह बड़े बड़े रास्तों पर इस प्रकार के पुतले लगे। सिर्फ मुंबई महानगर पालिका ने पुतले के ऊपर ही खर्चा न करते हुए लोग योग के साथ में जुड़े, इसलिए महानगर पालिका ने उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। हमारे नगर सेवकों ने बड़े बड़े ग्राउंड में इसका आयोजन करना चाहिए, तो धीरे 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 योग पूरा देश भर में फैल जाएगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, उसको हम और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, पूरे मुंबई शहर और पूरे देश भर में लोग योगा के साथ में जुड़े हुए हैं। ये बात और है कि बोरीवली में बहुत सारे गार्डन और प्लेग्राउंड हमने बनाए हैं, बहुत सारे संस्थाओं का निर्माण किया है, बहुत सारे एनजीओज है, ये सारे लोग मिलकर जब काम करते हैं तो तब इतना बड़ा काम खड़ा होता है। मैं तो एक प्रतिनिधि के नाते है, जो अपना दायित्व है उसको निभाने का प्रयास करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जितने भी लोग इस रास्ते से गुजरेंगे और जब ये स्टैचू को देखेंगे, तो भले गार्डन प्लेग्राउंड में ना आकर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने घर में भी अगर प्रयास करते हैं तो भी ये सार्थक होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।